अस्सलाम वालेकुम, चीता मोटर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम होंडा सिविक लेटेस्ट मॉडल जो अभी चल रहा है इसकी ब्रेक सर्विस कर रहे हैं और डिस्के हम इसके टर्न करवा चुके हैं और इस वक्त हम इसके ब्रेक पैड जो हैं जेन्युइन ब्रेक पैड उनकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको लोकल पार्ट्स जो है वो जेन्युइन करके बेचते हैं। ठीक है, डब्बा भी सेम होता है, हर चीज़ सेम होती है। तो यहाँ पर देख लें आप, ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर होता है मॉडल नंबर के हिसाब से जो इसमें आएंगे। इसके अलावा ये अब इसको हम अनबॉक्स करेंगे। अगर आप इसके जेन्युइन ब्रेक पैड परचेज़ करते हैं तो उसमें आप इसके जो स्प्रिंग होते हैं पैड स्प्रिंग ये इसमें आपको मिलते हैं नए न्यू। उसके अलावा ये ग्रीस होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये ओरिजिनल थाईलैंड है, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कि ये जेन्युइन जो है जापानी है तो ये बात बिल्कुल झूठ है। इसमें ये जो ओरिजिनल थाईलैंड के आते हैं ये थाईलैंड के अपने हैं। ये ब्रेक पैड की शिम्स कहलाती हैं जो इसके साथ ही पैड के साथ लगी हुई आती हैं, ठीक है। ये इसका रेयर साइड के पैड है दोनों, ठीक है। और ये हैं, ये फ्रंट साइड के हैं। अगर आप क्लीपर में लगाएंगे तो ये बाहर की साइड से आएगा, ये अंदर की साइड से यूँ आएंगे, यूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसकी मैं आपको फिर निशानदेही करा दूं कि एक तो इसके ऊपर शिम लगी होगी ये, ठीक है, ये और होंडा ओरिजिनल एम्बोस हुआ होगा। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी नुकीली चीज़ लेके आप जब इसके ऊपर आप उसको रगड़ेंगे तो इसके कलर से आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिटी आपको बताएगी कि ये ओरिजिनल है या दो नंबर है, ठीक है। तो ये चारों ब्रेक पैड हैं फ्रंट के हमारे पास। Join us on Facebook and YouTube. बाकी मजीद भी अगर आप वीडियोस गाड़ियों के मुताबिक देखना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पे आप आके वीडियोस देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि नए आने वाली वीडियोस हम किन टॉपिक्स पर बनाएं। और अगर कोई किसी किस्म का आपका सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।